भले ही तू है पर सुहाग रात तो हम ही मनाएंगे। वेदांत के सामने जैसी भाई ध्वनि आ जाती है स्वरा की, जैसे उसके होश उड़ जाते हैं। मतलब वो घूंघट पहन के आती है ना, और यहाँ पर उसको तो लग रहा था स्वरा है। वो अंगूठी वगैरह भी पहना देता है, अपनी बातें भी बहुत सारी शेयर करता है और बोलता है कि भाई मैं तो अपने पापा की वजह से तुमसे शादी की। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सुहाग पे हाथ डालने की? दूर हो जाओ हमारे सुहाग से। मैं तुमसे प्यार तो नहीं करता। यहाँ पर वो कहता है कि मैं जो भी मेरे पति का फर्ज होगा वो पूरा करूंगा और यहाँ पर तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। और उसके लिए एक अंगूठी लेकर आया होता है, वो उसे अंगूठी पहना देता है। अब जैसी अंगूठी पहनाता है ना, वो घूंघट उतारती है और देखती है, अरे ये तो ध्वनि है, और उसके होश उड़ जाते हैं। इतने में स्वरा भी आ जाती है, स्वरा हाथ में दूध होता है उसके और वो ग्लास गिर जाता है। सारे घर वाले आ जाएंगे ये सब सुनकर, और घर वालों के होश तो उड़ ही जाएंगे भाई ध्वनि को देखकर, क्योंकि उसने सेम ड्रेस पहन रखी है जो स्वरा ने पहनी है। और यहाँ पर भाई ध्वनि बोलती है कि भाई मैं तो ऐसी मजाक करने आई थी अपने जीजा जी से, और यहाँ पर उनसे नेक लेने आई थी, उन्होंने दिया नहीं था ना मुझे, बस इसीलिए मैं ये सारी चीजें कर रही थी। और ये स्वरा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। और इससे पहले हम देख ही रहे थे ना एपिसोड में कि कोयल और उसकी भाभी ने मिलकर भाई स्वरा को रोक लिया है। यहाँ पर वो बोलती है कि 108 बार तुम्हें माला जपनी पड़ेगी माँ दुर्गा की, उसी के बाद तुम वेदांत के रूम में जाओगी। और इस बीच में ही ना ये जो ध्वनि होती है वो अपना सारा खेल कर लेती है, और यहाँ पर वेदांत के गले वले भी मिल रही है, लेकिन वेदांत ने उसको दूर कर दिया। तो भाई अब ये सारी चीजें देख के स्वरा क्या करेगी ये तुम आने वाले एपिसोड में ही देखेंगे। लेकिन अभी तो गुस्सा कर रही है, धमकी वगैरह दे दी है ध्वनि को कि भाई तुम मेरे सुहाग से दूर रहना, और मैं अपना सुहाग किसी तरह भी नहीं बांट सकती हूँ। यहाँ पर वो बोलती भी है ध्वनि कि तुम मजाक था ना। स्वरा कहती है कि कोई मजाक नहीं था, मैंने बचपन में तुम्हारे संग सारी चीजें बांटी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना सुहाग वेदांत तुम्हारे साथ बांट लूंगी, ये कभी नहीं हो सकता, और तुम मेरे घर से अभी निकल जाओ।